हेलो फ्रेंड्स, आज के पूरे वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हनी को एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, हनी में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी कितना है। यस, पूरे वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हनी एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, हनी एक्सपोर्ट करने में कितना अपॉर्चुनिटीज है, टॉप की ऐसी कौन सी 20 कंट्रीज है जहाँ पर इंडियन हनी की ज़्यादा डिमांड है, हनी एक्सपोर्ट्स करने के लिए कौन से टाइप के डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट्स है, एंड लास्ट सीक्रेट टिप्स ऑफ हाउ टू सेल हनी इन ग्लोबल मार्केट विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। यस, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप हनी एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर पाओगे वो भी मैं बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना, आपके वैल्यूएबल पॉइंट वरना छूट जाए। पोटेंशियल्स की बात करें तो लास्ट ईयर इंडिया ने 110 प्लस कंट्रीज में हनी एक्सपोर्ट किया है, करीबन 58 USD मिलियन जितना एक्सपोर्ट्स हुआ हनी इंडिया से, एंड अराउंड 7,500 मैट्रिक टन जितना हनी इंडिया से एक्सपोर्ट्स हुआ है। तो आप खुद बिलीव कर सकते हैं कि इंडिया से हनी एक्सपोर्ट्स करने में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटीज है। हनी यूजेस की मैं बात करूँ तो सबको मालूम है कि हनी का मेनली यूजेज होम रेमेडीज में सबसे ज़्यादा यूज होता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी के लिए, डायबिटीज में, कफ सिरप में सबसे ज़्यादा हनी का यूज होता है। तो बेसिकली ये होम रेमेडीज में ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और खाने में भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अपने यहाँ इंडिया में इतना कल्चर नहीं है सलाद वगैरह में खाने में या ब्रेड वगैरह में हनी खाने का, बट फॉरेन में सबसे ज़्यादा कल्चर है। सलाद में वो लोग ऊपर से टॉपिंग करके खाते हैं, ब्रेड के साथ हनी खाते हैं। तो यस, डायरेक्ट कंजप्शन में और होम रेमेडीज में हनी का यूज सबसे ज़्यादा है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ऐसी कौन सी टॉप की 20 कंट्रीज है जहां पर हनी का सबसे ज़्यादा हाई डिमांड है, इंडियन हनी का सबसे ज़्यादा हाई डिमांड है। ये 20 कंट्रीज मैंने रिसर्च करके रखा है, वो 20 कंट्रीज में मैं आपको पोटेंशियल्स भी आपको मैं आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कितना आने वाले साल में हनी कंजर्व करना चाहते हैं इंडिया से। वो तो वो है USA 46 USD मिलियन डॉलर, जर्मनी 29 USD मिलियन डॉलर, UK 23 USD मिलियन डॉलर, सऊदी अरेबिया 12 USD मिलियन डॉलर, जापान 9.5 USD मिलियन डॉलर, फ्रांस 5 USD मिलियन डॉलर, स्पेन 4.6 USD मिलियन डॉलर, सिंगापुर 3.6 USD मिलियन डॉलर, पोलैंड 3.5 USD मिलियन डॉलर, कनाडा 3.3 USD मिलियन डॉलर, इटली 2.3 USD मिलियन डॉलर, कुवैत 2.1 USD मिलियन डॉलर, कतार 1.9 USD मिलियन डॉलर, ओमान 1.8 USD मिलियन डॉलर, मलेशिया 1.5 USD मिलियन डॉलर, साउथ अफ्रीका 1.2 USD मिलियन डॉलर, इंडोनेशिया 1.1 USD मिलियन डॉलर, नीदरलैंड 1.1 USD मिलियन ड�उलर, नेपाल 1.4 USD मिलियन डॉलर, एंड ऑस्ट्रिया 1.4 USD मिलियन डॉलर। ये थे टॉप की 20 कंट्रीज जहां पर इंडियन हनी की इतनी ज्यादा डिमांड है। हमने एनालिसिस किया है आने वाले टाइम में इतना पोटेंशियल्स है ये सारे मार्केट्स में, तो आप इजीली 20 कंट्रीज को टारगेट करके अपने हनी को वहां पर इजीली एक्सपोर्ट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये सारी कंट्रीज में इतना सारा डिमांड है आने वाले टाइम में। इतने जो भी मैंने आपको फिगर्स बताए वो सारे फिगर्स की डिमांड खड़ी होने वाली है आने वाले टाइम में। अब हनी एक्सपोर्ट्स करने के लिए आपको कौन से टाइप के डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो है CAC, फर्स्ट नंबर का डॉक्यूमेंट। CAC ये डॉक्यूमेंट्स है जो हनी के स्टैंडर्ड मेजर करते हैं। यस, हनी के स्टैंडर्ड मेजरमेंट करते हैं और आपको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। मेनली यूरोपियन कंट्री में एंड US में आपको ये सर्टिफिकेशंस का रिक्वायरमेंट रहेगा। सेकेंड नंबर का लाइसेंस आता है NPOP। ओके, NPOP लाइसेंस रिक्वायरमेंट आपको रहेगा। तो ये लाइसेंस पर्टिकुलरली आप अपने प्रोडक्ट पे ऑर्गेनिक का सिंबल लगाते हो तो ये पर्टिकुलरली लाइसेंस आपको मैंडेटरी रहेगा। थर्ड नंबर का लाइसेंस है फसाई। यस, इंटरनेशनल फसाई, वो सब जानते हैं फसाई क्या होता है, फूड सेफ्टी लाइसेंस जो बोलते हैं, वो इंटरनेशनल फसाई लाइसेंस का रिक्वायरमेंट रहेगा। फोर्थ नंबर का अपेडा, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड डिपार्टमेंट में से आपको उसका RCMC लेना पड़ेगा। एंड फिफ्थ नंबर आपका IEC को। सारे के सारे सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है,
इजीली आप अप्लाई करोगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे, बट एक्सपोर्ट के टाइम पे ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में हनी सेल्स करने का सबसे आसान तरीका है आप ई कॉमर्स थ्रू एक्सपोर्ट्स करें। यस, जो मैंने आपको सीक्रेट टिप्स जो बताई थी वो यही है कि इंटरनेशनल मार्केट में आप ई कॉमर्स थ्रू हनी को एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। आजकल बहुत छोटी मोटी कंपनियां, छोटी बड़ी कंपनियां आज हनी को एक्सपोर्ट्स कर रही है थ्रू ई कॉमर्स, और जितनी भी पोटेंशियल्स कंट्री, हाई डिमांडिंग कंट्रीज है हनी, वहां पर ई कॉमर्स काफी अच्छा एक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल यूएस मार्केट में आप हनी को थ्रू ई कॉमर्स एक्सपोर्ट सेल्स कर पाओगे। आइदर आपका एक ई कॉमर्स स्टोर बनाओ या थ्रू अमेजोन, थ्रू अमेजोन ग्लोबल थ्रू भी आप हनी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है वहां पर रजिस्ट्रेशन करने का, तो आप उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। ये ई कॉमर्स थ्रू हनी एक्सपोर्ट करने के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा और आपका प्रोडक्ट इजीली सेल होगा वहां पर, राइट? तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है हनी एक्सपोर्ट करने के लिए। मैंने आपको ये टिप्स भी बता दी, अगर आपको लो इन्वेस्टमेंट के साथ हनी एक्सपोर्ट करना है तो आप कैसे कर पाओगे थ्रू ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। यस, तो अगर आपको वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यस, आपके पास भी कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, और वो प्रोडक्ट का कौन सी कंट्री में अपॉर्चुनिटीज है, और वो प्रोडक्ट के कौन सी कंट्री में बायर है वो जानना हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।